तो अब हमारा फेलिसिटेशन सेट 3 होने वाला है, जिसमें डॉक्टर्स डे ऑनर्स से सम्मानित करने के लिए मैं रक्तिम दास, चीफ ग्रोथ ऑफिसर TV9 नेटवर्क को एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ आ जाइए। और अब फेलिसिटेशन के लिए मैं हमारे डॉक्टर्स को भी बुलाना चाहूँगी, तो उनके नाम मैं एक एक करके अनाउंस कर रही हूँ। डॉक्टर नीलाभ प्रताप, डॉक्टर नीलाभ प्रताप, डॉक्टर किरण सेठ, डॉक्टर किरण सेठ, डॉक्टर निखिल मेहरोत्रा, डॉक्टर निखिल मेहरोत्रा, डॉक्टर अभिमन्यु राणा, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर सौरभ भाटिया, डॉक्टर सुद्धतम जैन, डॉक्टर GC वैष्णवा, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर अविनका कपूर, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर अजय अग्रवाल MD मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा, डॉक्टर नील भाटिया, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा, डॉक्टर यू सत्यनारायण, कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर सैयद जाफरुल हसन, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर मोहित,
डॉक्टर पूजा, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर ललित, डॉक्टर ललित, डॉक्टर विभा, थैंक यू सो मच ऑल। तालियां तो बजी नहीं, मतलब इतने अवार्ड्स मिले पर तालियों की आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी। और जोर से, थैंक यू सो मच। अब मैं कुछ गेस्ट को बुलाना चाहूंगी। राहुल रस्तोगी, डिजिटल इंडिया की पहल से हमने देश में कई क्रांतिकारी बदलाव होते देखे हैं। दूसरे उद्योगों की तरह पूरे हेल्थ केयर के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस हमारी ज़रूरत बना और आज ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, शामिल हो चुका है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और हमारे डायग्नोस्टिक लैब्स को उनकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी मिलने लगे हैं। आज देश में मरीज को घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए सुदूर इलाकों में भी मरीजों को उनके घर पर ही टेलीमेडिसिन के जरिए उपचार उपलब्ध हो रहा है। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस का ये कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे अगले पैनल डिस्कशन की ओर। Transforming India's Healthcare Infrastructure, The Role of Digital, इसे मॉडरेट करेंगे कार्तिकेय शर्मा। पैनलिस्ट के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगी राहुल रस्तोगी सर को, जो कि फाउंडर एंड CEO अगत्सा हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। नेहा रस्तोगी को बुलाना चाहूँगी, जो कि डायरेक्टर हैं, CEO हैं अगत्सा की। कार्तिकेय सर आ जाइए प्लीज़। और वनीता अरोड़ा जी को बुलाना चाहूँगी मैं, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल से। और चारू दत्ता अरोड़ा, कंसल्टेंट एंड हेल्थ, एशियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। थैंक यू सो मच, ऑल योर सर। सर आप बीच में बात करिए। इंडियाज़ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ डिजिटल। अब ना डिजिटल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, ना ये बताने की ज़रूरत है कि उसका हेल्थ केयर से क्या जुड़ाव है। ज़्यादा कहते ना हिंदी में, बिना लाग लपेट किए मैं सीधे अपने सवालों पे आता हूँ, क्योंकि जो डिजिटल का काम था वो तो हमने पैंडेमिक में देखा किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ी। और हम AI और रोबोटिक्स में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम एक डॉक्टर पेशेंट की कल्पना करते हैं तो उसमें एक
पता नहीं है वो शब्द ठीक है नहीं, एक तरह की वर्किंग इंटीमेसी या सोशल इंटीमेसी, एक तरह का रिलेशनशिप होता है। आप एक डॉक्टर के साथ बैठना पसंद करते हैं, आपके अनुभव अलग होते हैं, वो दो चार चीज़ें आपके घर के बारे में पूछ लेता है, आपकी माँ कैसी हैं, हाउ इज योर वाइफ, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। यार पिछली बार आए थे मोटे हो गए, क्या हो रहा है भाई, ये डिजिटल है। तो मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि वो जो इंटीमेसी होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की, जो प्राइवेट भी होती है, उसके तो लॉज भी हैं विदेशों में बड़े कड़े, वो कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो आप जहाँ तक जो डिजिटल के कारण जो फ़ायदा हो रहा है उस पर तो बोलिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो इंटीमेसी होती है पेशेंट डॉक्टर की, वो डिजिटल में कहाँ जाएगी? इट्स कॉल्ड एज अ फिजिकल कनेक्ट विद द पेशेंट। फिजिकल कनेक्ट विद द पेशेंट ड्यूरिंग कोविड, कोविड से पहले ये बहुत बड़ा इशू था। किसी पेशेंट को आप बोल दो कि कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, दे डिड नॉट यूज टू एक्सेप्ट इट। नहीं, पहले नहीं, लेकिन कोविड में द थिंग्स चेंज सो ड्रामेटिकली दैट पेशेंट्स वॉन्टेड नॉट टू कम टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन्स, एंड दे वर कम्फर्टेबल इन गेटिंग ट्रीटेड ऑन द फोन, ऑन द वीडियो चैट। एंड इवन IMA ने, DMA ने यू नो वेरियस रेगुलेशंस बनाया, चेंज किया, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन होता था उसको डिजिटल किया, एंड दे सेड इट वॉज ओके टू डू इट, यू नो वी वर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है इसके साथ साथ। बट वंस वी आर आउट ऑफ कोविड, हम बाहर निकल आए कोविड से, नाउ आई एम सीइंग दैट द एक्सेप्टेंस इज बेटर। आई वुड नॉट से इट इज़ 100%। पेशेंट स्टिल वॉन्ट टू कम एंड टॉक अबाउट इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, पेशेंट आता है, फीमेल पेशेंट होगी, अपने बहू की बुराई करनी होती है, अपने बेटे की बुराई करनी होती है, अगर मेल पेशेंट है तो घर में क्या हो रहा है, बीवी ने कैसे तंग किया, ये सब बातें करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं, एंड वी कीप इट टू आवरसेल्व्स ऑफ कोर्स बिकॉज वी हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। बट ये एक्सेप्टेंस टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टू हैव वीडियो कॉल्स हैज़ इम्प्रूव्ड मच मोर, नॉट 100%, I would say we are around 50-60%. अच्छा एक चीज़ बताइए, इससे मतलब बाकी लोगों के पास जाने से पहले, कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल, डिजिटल कंसल्टेशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान के जाते हैं भाई डायग्नोस तो कर ही देगा, तो डिजिटल में कंसल्टेशन और डायग्नोसिस वो फासला कितना लंबा हो जाता है? See, the first important point of diagnosis when we are doing MD medicine, हम जब medicine कर रहे होते हैं, सबसे पहले बोला हमारे को बताया जाता है, you have to listen to the patient. So listening is possible on video, right? On video consult, you have to listen. अगर आप अच्छी तरह से बात समझ नहीं रहे patient की और उनको सुन नहीं रहे with depth and with total, you know, 100% commitment, तो आप वैसे भी डायग्नोसिस मिस कर देंगे और डिजिटली भी करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ कमिटेड यू आर टू द प्रोफेशन एंड यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट। दैट वे आई डोंट थिंक सो डायग्नोसिस विल फॉल्टर। एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यू सी द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज दैट यू हैव टू एग्जामिन द पेशेंट, यू हैव टू ऑस्कल्टेट, यू हैव टू एग्जामिन, पैल्पेट फॉर कर्स, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन डिजिटल। सो आपको उनकी बात सुन के एंड इन्वेस्टिगेशन के साथ ही डायग्नोस करना होता है, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने बोला AI के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली इन कार्डियोलॉजी हैज़ गॉन टू द पॉइंट दैट यू सी द पेशेंट्स ECG टुडे और आप बता सकते हैं विद इन 15 डेज उसको MI होगा, विद इन 15 डेज वो हार्ट फेलियर में जा रहा है, यहाँ पहुँच गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, हम बिल्कुल सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जानते हैं, नीचे बहुत कुछ है जो आ रहा है, जो आ चुका है, यू नो वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड इट इज़ फॉर द अर्ली डायग्नोसिस, इट इज़ फॉर द टाइमली डायग्नोसिस, इट इज़ टू गिव अस द कोरिलेशन बिटवीन द सिम्टम्स एंड द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अच्छा नेहा जी, आप बताइए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा हो रहा है, ये कैसे आम आदमियों की, आम महिलाओं की, आम लोगों की ज़िंदगी छू रहा है?
जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी. अभी डॉक्टर वनीता ने बात करी डिजिटल कंसल्टेशन की. मुझे ऐसा लगता है एक आम आदमी की तरह अगर मैं सोचूं कि कंसल्टेशन से पहले भी अगर मैं घर पे हूं और मुझे कुछ भी सिम्टम हो रहा है तो उस पॉइंट पे भी मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स हों अगर जिसको मैं यूज़ करके ये पता लगा पाऊँ कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है. आई थिंक वो भी एक डिजिटल कंसल्टेशन या डिजिटल हेल्थ का एक पार्ट है. और उस डेटा के साथ अगर मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं या वीडियो कंसल्टेशन करूं और मैं बोलूं कि ये देखिए ये मेरा बीपी है, ये मेरा ईसीजी है, ये मेरी शुगर रीडिंग्स हैं. आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया डिजिटल हेल्थ. यहाँ अधिकतर लोगों को डिजिटली तो डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है जी सैटरडे होते होते. तो ये डिजिटल के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. हम अगर सोशल मीडिया से निकल के डिजिटल की बात करें तो आई थिंक एक आम आदमी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास आने से पहले भी उसको अपनी हेल्थ की एक जानकारी हो, वो खुद एक स्टेक होल्डर हो अपनी हेल्थ का और वो जाने के पहले ये इतना पता लगा ले कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि कल रात मैंने पार्टी करी थी और इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या वाकई में मुझे प्रॉब्लम है. और वो जो टाइम वेस्ट होता है उसमें कि इस कंफ्यूजन में कि मैं जाऊं या ना जाऊं या कल जाऊं या परसों जाऊं या अपॉइंटमेंट का वेट करूं क्योंकि हफ्ते में एक ही बार वो डॉक्टर मिलते हैं, वो टाइम हम सेव कर सकते हैं. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस चीज़ में हो रहा है और ये होना चाहिए बहुत. यानी आप कह रही हैं कि आजकल आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ता, किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, आप डिजिटली एप्लीकेशन पर जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, पैसा दीजिए, पर्ची निकालिए, वहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं और खड़े हो जाइए लाइन पे. बड़े हॉस्पिटल्स में तो हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल, अपॉइंटमेंट वैसे भी हो गया. और जो होम कंसल्टेशंस हो रहे हैं जो कोविड के बाद हमने चेंज देखा है, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, मैं नोएडा में रहती हूँ, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी नोएडा के अच्छे डॉक्टर से उनका कंसल्टेशन करवा सकती हूँ और मैं घर बैठे जान सकती हूँ कि उनकी हेल्थ कैसी है. और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें नोएडा लाना पड़े क्योंकि वो एक छोटे शहर में रहते हैं. तो ये सब डिजिटल के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और ये हेल्थ में हम देख रहे हैं. चारुदत्त जी, इन्होंने कहा कि डिजिटल के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. वैसे डेटा ने इंटरटेनमेंट तो सस्ता किया है, लेकिन डेटा से क्या हेल्थ बिल सस्ते हो रहे हैं? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटलाइजेशन हेल्थ केयर में क्यों ज़रूरी है. यू नो, विद द चेंजिंग टाइम्स हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में या 20 साल पहले भी हम लोग एक्चुअली में रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर किया करते थे. बट नाउ द फूड इज़ एट आवर फिंगर टिप. यू पिक अप योर फोन, क्लिक ऑन ज़ोमैटो एंड द फूड इज़ एट योर होम, राइट? सो इट्स कम्फर्टेबल, इट्स लग्जूरियस, इट्स कन्वीनियंट एंड इट्स हेल्पफुल, इट्स टाइम सेविंग. सिमिलरली हेल्थ केयर इज़ एट योर डोर स्टेप. एंड डेटा की मदद से आप ना केवल प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे नेहा जी ने बताया, इट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें मेरे को क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या कार्डियोलॉजिक रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना मेरा आर्थराइटिस रिस्क फैक्टर है, वो सब आप कैलकुलेट करके अपने करेक्ट डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन को दिखा सकते हैं. सो इट सेव्स टाइम. एंड सिमिलरली कोविड के टाइम पे हमें पता चला दैट रिहैबिलिटेशन, स्ट्रोक रिकवरी प्रोग्राम्स, पैलेटिव केयर, कैंसर केयर, दिस ऑल कैन बी मैनेज्ड एट होम. व्हाई टू वेस्ट टाइम? हॉस्पिटल्स एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अक्यूट मेडिसिन के लिए होने चाहिए. बेड्स शुड बी एलोकेटेड टू दोज पीपल हु नीड देम द मोस्ट, हु नीड द टच. बट ट्रस्ट मी नॉट, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू फिजिकल मेडिसिन और मेडिसिन इन प्रॉपर सेंस. द टच ऑफ द डॉक्टर, द कंपैशन एंड द एम्पैथी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ स्टिल होल्ड्स इट्स वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस. सो मेरे हिसाब से हम लोग आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ होम हेल्थ केयर विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया. हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर हैंडलिंग रीहैब पेशेंट्स थ्रू AI. जेनरेटिव AI के थ्रू हमारे पेशेंट्स कलर थेरेपी से अपने स्ट्रोक, पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन को यूज़ कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर रिकवरिंग. ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी हम बात करते हैं, इससे क्या वो जो डॉक्टर्स के बीच में कंसल्टेशन होता था ना, जैसे कि हम 80s की सीरियल में होते थे, एक पेशेंट है वो फ़ोन पे, मैं अमेरिका में बात करके बताऊंगा कि इस पेशेंट का क्या होगा, फिर फ़ोन पे बात होती थी कि नहीं इनका तो केस बहुत सीरियस है बाहर ले जाइए, तो उस पर फ़र्क पड़ा है? ये एक स्टीरियोटाइप बता रहा हूँ.
मैं आपको उस पर फर्क पड़ा है, रियल टाइम जो कंसल्टेशंस होते हैं उसका फैब्रिक बदला है क्या? You know, I would like to answer this. So cross consultations are actually easier with digitalization. यदि मेरे किसी पेशेंट को एक सेकेंड ओपिनियन चाहिए, सो विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट सॉफ्टवेयर आई कैन एक्चुअली पुट अ क्रॉस कंसल्टेशन टू द डॉक्टर एंड रियल टाइम में दूसरे डॉक्टर को पता चल जाएगा दैट डॉक्टर चारू के एक पेशेंट जिनके एक्स वाई जेड हिस्ट्री के साथ ये प्रॉब्लम है उनको इस हिसाब से चलना है. पहले के टाइम पे वही पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एक टाइम लैग होता था. सो वो डेफिनेटली आपका टाइम आपका कम हुआ है, आपका अक्यूट मैनेजमेंट बेटर हुआ है एंड टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टाइमली इंटरवेंशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, विच इज़ थैंक्स टू पीपल लाइक नेहा हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन क्रिएटिंग अवेयरनेस टू सच थिंग्स. राहुल जी, एक चीज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये भी है कि पहले पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रखने, मेंटेन करने एक बड़ी मशक्क़त का काम होता था, और आजकल डिजिटाइजेशन से न केवल आपके ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ता है बल्कि डॉक्टर्स को भी बहुत सहूलियत हो जाती है. हैज़ इट गॉन अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग पेशेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? या डेफिनेटली, एक्चुअली वी वर्क मोस्टली ऑन कार्डियक. तो अगर आप कोई पुरानी ECG की रिपोर्ट देखेंगे जो प्रिंट होती है, अगर आप उसे एक दो महीने तीन महीने बाद वो अपने आप ही इरेज हो जाती है. अच्छा. और ECG की फील्ड में ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले बेसलाइन ECG कैसी थी. और ये सिर्फ एक एग्जांपल है. नॉर्मल किसी को बुखार भी होता है, जैसे हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर कहता था वो तीन बार आप मेजरमेंट्स नोट करिएगा फिर दिखाइएगा. नाउ ऑल दैट हैज़ गॉन डिजिटल इन अ वे विच इज़ वेरी अफोर्डेबल टू मासेस थैंक्स टू द टेक डेवलपमेंट. एंड बिकॉज दैट इट इज़ डिजिटल, एज डॉक्टर विनीता सेड, अब AI से हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगर आज ECG ऐसी है तो 15 दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, तो उससे ना आप बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं. मान लीजिए वो ECG जो आप यू आर करेक्टिंग इज़ अ फादर हु हैज़ यंग किड्स, राइट? तो आप एक पूरी फैमिली को यू आर इम्पैक्टिंग बेसिकली बाय दिस टेक्नोलॉजी विच इज़ डिजिटल एंड देन पुटिंग ML मशीन लर्निंग AI ओवर इट एंड हेल्पिंग हिम करेक्ट हिज लाइफस्टाइल बिफोर ही नीड्स एन हॉस्पिटलाइजेशन. लेकिन डिजिटल से देखिए चीज़ें भी कितनी बदल गई हैं. मतलब आपको एक टाइम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था, क्यू में बाहर लगना पड़ता था. अब आपकी डिजिटल क्यूज हैं, अब आपको पता है कि इतने टाइम पे आपका जूम कॉल शुरू होगा. हाँ, एक्चुअली एज सर सेड कि हॉस्पिटल सिर्फ एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए या जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन होना है उसके लिए यूज़ हों और मिनिमम बेड ऑक्यूपेंसी हो, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि 1:1700 या 2000 है. तो अगर हम नोएडा से बाहर बुलंदशहर जाएं या Tier 2, Tier 3 सिटीज़ जाएं, तो मैं त्रिपुरा गया था जैसे हमारे डिवाइस इंस्टॉल कर रहे तो थे. एक चीज़ बताइए, पे गांव में कैसे होगा? हर कोई डेटा इनेबल्ड तो है नहीं. हाँ, अब हमारे यहाँ तो लड़ाई भी हो जाती है. अब आप देखिए मणिपुर में 45 दिन से इंटरनेट बंद है जी. अगर आप बात करें कश्मीर में बंद हो जाता है इंटरनेट जी, जी, जी. तो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में नेट बंद हो जाता है जहाँ डेटा इनेबलर भी है और डेटा सेंट्रिक अप्रोच हो जाए तो वहाँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा सारा का सारा. और गरीब आदमी कैसे आएगा? उस तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट हैंड कि हम लोग अपनी मशीन लगाने त्रिपुरा में गए एंड वी आर डूइंग इट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. और वो इतने रिमोट एरियाज में थे कि मैं नेक्स्ट लाइट अफेक्टेड भी था एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर ऑन बांग्लादेश बॉर्डर. तो अगेन दिस प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट हैपेंड. तो हम मैं भी सोच रहा था कि यार इंटरनेट ही नहीं है, कैसे करेंगे. बट देन आई सॉ कि एवरी PSC वॉज इनेबल्ड विद 2 doctors 1 in 9 एंड तो डॉक्टर्स थे बट दे डिडंट हैड नो. अब ECG का मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कहीं ECG है नहीं. आई मीन जस्ट टॉकिंग अबाउट ECG एज एन एग्जाम्पल. और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं बट बिकॉज दे वर डिजिटल, ठीक है, तो द डेटा एज मैम सेड कि वो डॉक्टर का बहुत सारा पार्ट हेल्प कर रहा था. इट वॉज ऑलरेडी डायग्नोसिंग. तो भले ही एकदम जूनियर डॉक्टर थे बट पार्ट ऑफ इट दैट एल्गोरिथम वॉज हेल्पिंग देम टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ECG एंड देन वेन दे गॉट सर्टन दे वर एबल टू कंसल्ट टू द CST द सेंट्रल हेल्थ सिस्टम. तो वहाँ पर वो पहले तो वो ECG लेने से भी डरते थे कि अब होगा क्या. अब डिजिटल हो गया देन एल्गोरिथम्स आ गए, ML आ गई, तो ECG बहुत जो कॉम्प्लेक्स थी वो एकदम डिसाइफर हो गई, सिंपल फॉर्म में आ गई. देन ही कंसल्टेड विद द सीनियर डॉक्टर्स ओवर फोन. तो इस तरीके से जो जो हम सोच नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे मिलेगा वो पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ भी है. मैं ये बात मैं मानता हूँ कि डिजिटल से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं. जैसे कि 5-6 साल पहले
अगर आप किसी डायग्नोस्टिक लैब में जाते थे तो आपको अपना रिजल्ट लेना पड़ता था, प्रिंट आउट लेना पड़ता। आजकल सबके एप्लीकेशन हैं, पेपरलेस हो गया है, आप पेपरलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, पेपरलेस आपके वो डाउनलोड हो जाता है, उसी चीज़ का व्हाट्सएप बना के आप डॉक्टर को भेजते हैं, किफ़ायत काफ़ी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो किफ़ायतें हैं ये हमारे गरीब और ग्रामीण इलाकों में कैसे जा सकती हैं, मुझे ये बताइए। ओके, जो किफ़ायती आपने वर्ड यूज़ किया ना, दैट इज़ वेरी गुड। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई डील विद हार्ट फेलियर पेशेंट्स। एक हार्ट फेलियर पेशेंट एक्यूट, उससे पहले तक नहीं, सॉरी, सिर्फ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर पेशेंट जो होता है वो अगर एक्यूट कंडीशन में हॉस्पिटल में आता है, उसका खर्चा ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपया होता है एक्यूट कंडीशन में, फेलियर की वर्सनिंग की वजह से। अगर मुझे इनका जो ये छोटा सा ECG डिवाइस है, देखिए इतना सा डिवाइस, ये मुझे 15 दिन पहले बता दे कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर में जाने वाला है और मैं आज इसकी दवाइयाँ चेंज कर दूँ, उसकी वो एडमिशन प्रिवेंट हो जाएगी। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया पेशेंट का एक एडमिशन के लिए बच गया। और जो हार्ट फेलियर की पेशेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो साल में 6 से 7 बार ही एडमिट होते हैं। एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, डू यू थिंक दे कैन अफोर्ड इट? एंड इफ दिस लिटिल डिवाइस गिव्स मी द डेटा बिफोर 15 days ago, so that I can adjust the patient's medication, even if it is on the phone, I am able to prevent that acute episode. Isn't it worth it? ये किफायती है कि नहीं? ये इसकी कीमत कितनी है? जी, इसकी कीमत कितनी है? 3,000 रुपये। जबरदस्त। 3,000 rupees। जबरदस्त। 3,000 रुपये। And you can have the app on the phone. आपके सबके पास स्मार्टफोन है। जो आप गरीब ग्रामीण लोगों की बात कर रहे हैं, प्लीज जाके देखिए, सबके पास स्मार्टफोन। आपने इतनी मतलब सहजता से इसको बता दिया। 1950 और 60 की अगर फिल्में याद करें तो उसमें जो सबसे खराब चीज होती थी, बोलते पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है और उसके टंकड़ा है, फिल्म में एकदम मोड़ आ जाता था, एक्टर को बिछड़ना पड़ता था अपनी हीरोइन से क्योंकि उसको घर जाना पड़ता था। इसकी कमी थी लगता है। इट्स 2023, ECG मशीन, शॉकिंग मशीन, इतनी बड़ी बड़ी बिग मशीन्स यू यूज्ड टू सी इन दोज मूवीज इन 1960s, ये आपकी जेब में आ जाएगी मशीन, राइट? आपकी दो फिंगर्स से ECG आ जाती है। तो ये दिस इज किफ़ायती। जो आपने किफ़ायती का क्वेश्चन पूछा, इजंट इट सेविंग मनी, आप गिन के देखिए कितना ये इकोनॉमी पे हमारे बर्डन कम करेगा, क्योंकि हम पेशेंट्स को बेटर ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज आवर एम, दैट इज व्हाट वी वांट। एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये लोग हम बना रहे हैं, मेड इन इंडिया? जी, मेड इन इंडिया सर। जबरदस्त। मैं इसी मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नोट पे और किफ़ायती के नोट पे इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा कि किस तरीके से कितने मुकाम पार किए हैं। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि 1950 में वो जब फिल्मों में आता था कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, फिल्म खत्म हो जाती थी उस पर, आज आपके पास एक डिवाइस है जो 15 दिन पहले आपको बता देगा कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता। संकेत देगा लाइफ का। डिजिटल संकेत देगा। तो इसी पे मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। एंड यस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन, they are definitely transforming the way Indian health infrastructure is functioning and the way it's going to function and improve over a period of time. Thank you all of you. Thank you. Pleasure being here. Thank you. अच्छा सेशन था। और एक्चुअली अगर ऐसे पैसे भी बच जाएं और दिल का दौरा पड़ने से भी बच जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर, आपकी टाइमिंग बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग थी।